हेलो गुरुलोक, टेक प्रो सुबिसेल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। ये रेडमी नोट 8 प्रो वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। अगर आप फ्यूचर से हैं, मतलब वीडियो का पब्लिश डेट से 1 या 2 मंथ बाद दिख रहे हो, तो फिर प्लेलिस्ट पे जाके रेडमी नोट 8 प्रो का हर एक कंटेंट आप देख पाएंगे। इस सीरीज में हम दिखाएंगे कि Redmi Note 8 Pro का बूटलोडर अनलॉक कैसे करें, रूट कैसे करें, कस्टम रोम्स एंड मेनी मोर। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें एक साथ बहुत दूर जाना है। तो चलिए Redmi Note 8 Pro का बूटलोडर अनलॉक करते हैं। तो फोन का बूटलोडर अनलॉक करने से पहले कुछ चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका फोन का जो डेटा है, सारी की सारी डेटा वो बैकअप कर लेना, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद फोन का कोई भी डेटा नहीं रहेगा, फोन पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं बोल देता हूँ पूरा फोन का बैकअप ले लेना। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, मैं अब Redmi Note 8 Pro का स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ आपसे। तो हमें बूटलोडर अनलॉक करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा फोन में, तो वही आपको दिख रहा हूँ। तो उसके लिए पहले सेटिंग्स में जाइए, अबाउट अस, ओके, ठीक है। उसके बाद जो MIUI वर्जन है वहाँ पे 5 या 8 टाइम टैप करना होगा। उसके बाद डेवलपर मोड इनेबल हो जाएगा, तो बैक हो जाना फिर से और नीचे स्क्रॉल करके एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। ये रहा एडिशनल सेटिंग्स। उसके बाद अब देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन, वहाँ पे चले जाना, ठीक है। उसके बाद जो OEM अनलॉकिंग है उसको इनेबल करना होगा, ठीक है, मेरी ऑलरेडी क्या हुआ है तो उसको अनलॉक कर देना। और जो USB डेबगिंग है उसको भी अनलॉक कर देना, सॉरी USB जो डेबगिंग है उसको इनेबल कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं MI अनलॉक स्टेटस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिवाइस अभी तक लॉक्ड है। तो इसको अनलॉक करने के लिए हमें पहले यहाँ पे जो देख सकते हैं नीचे एड अकाउंट एंड डिवाइस, तो वहाँ पे लॉग इन कर देना होगा हमारा MIUI अकाउंट से। और आप अपना MIUI अकाउंट का जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है उसको आप याद करके रख लेना, क्योंकि हम जब कंप्यूटर में जिस टूल से अनलॉक करेंगे वहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो अब आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप में, तो हमें कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस ड्राइवर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये देख सकते हैं हमारा Redmi Note 8 Pro का ड्राइवर्स। तो हमें क्या करना होगा, पहले Qualcomm AZ ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, यूनिवर्सल ADB ड्राइवर, एंड उसके बाद ADB एंड फास्टबूट सेटअप को हमें इंस्टॉल करना होगा। तो हम एक एक करके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं हम Qualcomm AZ ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। तो अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि अब जब ये ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो अच्छी तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, कोई इरर ना हो जाए, क्योंकि अगर इरर हो जाए तो बूटलोडर अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद हमें PC को रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। PC को रिस्टार्ट कर देना सारे ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म टूल्स, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना सी ड्राइव में, जहाँ पे विंडोज अपना इंस्टॉल है। तो उसके लिए हम सीधा यहाँ पे सी ड्राइव में जाके इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अभी इंस्टॉल, सॉरी, आप एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI फ्लैश अनलॉक टूल, ये जो है इसको हम अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले हम इंटरनेट को यहाँ पे कनेक्टेड कर लेते हैं, क्योंकि हमें अनलॉकिंग के टाइम इंटरनेट चाहिए। ओके तो हम MI फ्लैश टूल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके हम सी ड्राइव में जाएंगे, हम सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, और वहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल जो फोल्डर है उसके अंदर इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ओके, तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी। जो MI फ्लैश टूल को जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है वहाँ पे जाना होगा। तो मेरा ये विंडोज़ पे है, सी ड्राइव पर, और प्लेटफॉर्म टूल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं MI अनलॉकिंग टूल, MI अनलॉक टूल।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बैच अनलॉक, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लेना, रन कर लेना। तो ये आ चुका है इंटरफेस। तो उसके बाद हम अपना यहाँ पे जो ये मी वाई आई डी है वहाँ से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। साइन इन जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना। साइन इन का ऑप्शन का क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपली हमारा फ़ोन नंबर और पासवर्ड से हम लॉगिन कर देते हैं। अब भी अपना मी वाई आई डी से लॉगिन कर देना। तो साइन इन, अब हमारा डिवाइस को हम यहाँ पे फास्टबूट मोड में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले फ़ोन को कर लेते हैं पावर ऑफ। ठीक है, ये दिख रहा है हमारा रेडमी नोट 8 प्रो, फ़ोन को कर लेते हैं पावर ऑफ। फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब जो पावर की और वॉल्यूम डाउन की, पावर की एंड वॉल्यूम डाउन की एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा डिवाइस फास्टबूट मोड में बूट हो जाएगा। पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की एक साथ प्रेस करना होगा। तो ये हमारा डिवाइस फास्टबूट मोड पे बूट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हम यूएसबी केबल से कनेक्ट कर देते हैं फोन को। तो ये हमारा डिवाइस हो चुका है कनेक्ट। ओके, तो हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो एसएन नंबर है वहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, ये देख सकते हैं स्टेटस लॉक है। तो इसके बाद अनलॉक पे क्लिक करेंगे, या फिर F6 प्रेस कर देना तो फ़ोन अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा फ़ोन सक्सेसफुली हो चुका है अनलॉक। तो दोस्तों वीडियो में यही तक था। तो आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से फ़ोन को अनलॉक किया है बूट लोडर। तो इस सीरीज़ में हम बहुत ही वीडियो लाने वाले हैं, जितने भी कस्टम रोम अवेलेबल है रेडमी नोट 8 प्रो का, हर एक कस्टम रोम इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।